हेलो एवरीवन वेलकम टू वी मन एस आई एम सार्थक सीनियर फैकल्टी मन यू आई एस एंड आई वेलकम यू टू आवर वंडरफुल इनिशिएटिव ऑफ अभ्यास 2.0 पॉइंट ओ दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन प्राइमरीली फोकस ऑन ऑन एच सी एस प्रिलिम्स आपके प्रिलिम्स के लिए हमने एक एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखा है अभ्यास 2.0 पॉइंट यूट्यूब के ऊपर आपके लिए एंड इट इज एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपके सारे के सारे सेक्शंस वेदर इट इज़ जी एस सी सेट जी के अंदर आपके सारे के सारे इकोनॉमी पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी साइंस एनवायरमेंट हरियाणा जी के एज़ वेल एज करंट अफेयर्स सब कुछ कवर कराएंगे इस अपनी सीरीज के अंदर सब कुछ इन द सेंस जितने भी इंपॉर्टेंट एम होंगे जितने भी इंपॉर्टेंट इधर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके या फिर अदरस दूसरे इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ हैं विल बी डीलिंग विद दैट सी सेट के अंदर भी सेम पैटर्न फॉलो होगा डेली आपके लिए दो क्लासेज आएंगी वन एट सिक्स पी एम फॉर जी एस एंड वन एट सेवन पी एम फॉर सी सेट What you need to do is you just need to keep following abhimanyu आई and and stay connected with us for our these kind of initiatives. aapke liye आपके लिए ही किया गया है ये आपके focus को फोकस रखते हुए प्रिलिम्स को ध्यान रखते हुए जो कि अभी कब है ग्यारह फरवरी को अकॉर्डिंग टू द रिसेंट नोटिफिकेशन इलेवंथ ऑफ फिफ्टी ट्वेंटी फोर को आपका एच सी एस प्रिलिम्स का एग्जाम भी कनेक्ट हो जाएगा सो so उसी को ध्यान में रखते हुए हमने स्पेशली ये अभ्यास 2.0 पॉइंट आपके लिए लॉन्च किया है जो कि प्रिलिम्स में आपकी हेल्प करेगा प्रिलिम्स क्लियर करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आज की अपनी जो क्लास है वो है इकोनॉमिक्स की ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का एक सेशन हो चुका है ये उसी कंटिन्यूएशन में उसका सेशन टू है सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट आवर वीडियो आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट एम सी क्यू रिलेटेड टू जी डी पी आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट एम सी क्यू रिलेटेड टू जी डी पी जी डी पी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एम सी क्यू को डील करेंगे इनफैक्ट होगा क्या एम सी क्यू फॉर्म में आप जी डी पी को लर्न भी कर सकते हो काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको जी डी पी के बारे में क्वेश्चन की फॉर्म में

थोड़ा आपकी माइंड बॉगलिंग होगी तो चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं बिल्कुल ऐसे स्पून फीडिंग या रामायण की तरह मूवीज को सेशन को चलते नहीं देना कि आंसर बता दो फटाफट देखते चले जा रहे हो थोड़ा पहले खुद के दिमाग में थोड़ा सा ज्यादा डालना है सो so दैट चीज़ें अच्छे से समझ में आए और चीज़ें याद भी हो साथ के साथ राइट सो विद दिस लेट स्टार्ट आवर वीडियो द फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट द जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर इंडिया जी डी पी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करती है इंडिया के अंदर मैं दोबारा रिपीट कर दूँ प्रोटोकॉल वीडियो को पॉज करें अटैम्प्ट करें और फिर प्ले करें राइट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है फिर प्ले करना है ओके सो नाउ हेयर ऑप्शन हैं आपके सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिसर ऑफ ऑफिस सी एस ओ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डी ई एंड देन नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस एन एस एस ओ राइट एंड डी ऑब्वियसली नन ऑफ द अबव सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए सी एस ओ सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑफिस ऑल दो सी एस ओ जो है अब सी एस ओ प्लस एन एस एस ओ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस इन दोनों को मर्ज करके ऑर्गेनाइजेशन एक और ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई है विच इज एनएसओ तो अगर अगर आपके क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में एन एस ओ है सी एस ओ की जगह तो वो भी क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बिकॉज सी एस ओ इसी के अंडर आ चुका है एंड वन मोर थिंग कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा सारा कुछ कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा एमओसपी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन मोसपीज को शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है राइट right? मिनिस्ट्रीज के नाम शॉर्ट फॉर्म में आपको हो जाना चाहिए राइट right? पूरा पूरा नाम याद रखे मोएसपी के अंडर आती है ये कौन सी सीएसओ जो कैलकुलेट कर रही है अपनी जीडीपी नाउ वॉट इज जी डी पी हाउ इट इज कैलकुलेटेड एंड ऑल वो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा बहुत देखते चले जाएंगे ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ जी एन पी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का कौन सा पार्ट है इसमें से नाउ बिफोर कैलक गोइंग टू द ऑप्शन लेटमी टेल यू वॉट इज जी एन पी जी एन पी होता क्या है सी एक जी डी पी अगर मैं बात करूं जी एन पी जी एन पी फुल फॉर्म क्या है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वॉट इट इज इट इज जी डी पी प्लस प्लस इनकम फ्रॉम एब्रॉड इनकम फ्रॉम एब्रॉड फ्रॉम इंडियन नेशनल ओनली फ्रॉम इंडियन नेशनल मतलब वॉट इट इज कि अगर मैं आपको सिंपल उस पर बताऊँ तो जी के अंदर क्या होता है कि जो बाहर से जी के अंदर तो जो हमारी डोमेस्टिक टेरेटरी के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं खाली उनको कंसिडर किया जाता है बट जी के अंदर क्या होगा कि जी प्लस जो भी इनकम बाहर जो इंडियन नेशनल्स रहते हैं बाहर इंडियंस जितने भी बाहर रहते हैं वो जो भी बाहर से पैसा भेज रहे हैं इंडिया के अंदर उसको भी ऐड कर दिया जाता है राइट right? तभी यहाँ पर जो वर्ड है नेशनल वो इसीलिए आया है जीडीपी प्लस जितनी भी इनकम बाहर से आ रही है जो भी इंडियन नेशनल रह रहे हैं बाहर वो जो भी पैसा घर इंडिया के अंदर भेज रहे हैं वो भी काउंट हो जाता है इसके अंदर राइट सो सो विद दिस दिस इज इज जो कि प्लस जितनी भी अपनी बाहर से इनकम आ रही है हमारे जो इंडियन रह रहे हैं खाली उन्हीं की ओके सो विद दिस इंफॉर्मेशन लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ जीएनपी एक्सपोर्ट्स मनी अर्न बाय रेजिडेंट अब्रॉड इंपोर्ट और ऑल ऑफ द अबव सी एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेफिनेटली किसमें जी डी पी में, में काउंट हो जाएंगे और मनी अर्न बाय नेशनल्स दिखाया ना भी आपको यहां पर सी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी ऑल ऑफ जी एन पी के अंदर जी डी पी प्लस जितनी भी बाहर से इनकम आ रही है इंडियन है वो सारी काउंट हो जाती है ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी यहां पर इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या है पहली बार तो नॉट अ मेथड हमेशा चीज़ों पे ध्यान दिया करो कि करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट सारी चीज़ें पूछी हुई हैं कई बार ये चीज़ें निगेट हो जाती है इनफैक्ट अगर आप इस साल के अच्छे अच्छे का पेपर उठा के देखोगे तो सबसे बहुत गड़बड़ हुई है इस बार तो बिकॉज उन्होंने हाईलाइट ही नहीं करा था करेक्ट इनकरेक्ट को तो नॉर्मली बच्चे करेक्ट समझ के क्वेश्चन कर अटैम्प्टाए जबकि वहां पर इनकरेक्ट पूछा हुआ था तो इन चीज़ों पर खासा ध्यान दिया करो ओके सो ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड टू कैलकुलेट जी डी पी ए डिमिनिशिंग कॉस्ट मैथड बी एक्सपेंडिचर मैथड सी प्रोडक्ट मैथड या डी नन ऑफ द ओके. सो हाउ मैनी आर देयर दाउ मेनीट जीडीपी लेट सी देर आर थ्री मैथड्स टू कैलकुलेट जी डी पी नंबर वन एक्सपेंडिचर मैथड एक्सपेंडिचर मैथड जिसको कंजम्पन मैथड भी कहते हैं सेकेंड प्रोडक्ट मैथड या फिर gva मेथड भी कहते हैं इसको यहाँ पर gva भी आ जाता है एक्सपेंडिचर के साथ कंजम्पशन आ जाएगा इधर राइट और थर्ड है अपना इनकम मेथड सो दीस थ्री मेथड्स आर देयर टू कैलकुलेट gdp राइट एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन प्रोडक्ट या फिर gva मेथड या फिर इनकम मेथड सो विद दिस इंफॉर्मेशन लेट अस अटेम्प्ट द क्वेश्चन नाउ प्रोडक्ट मेथड यस इट इज देयर एक्सपेंडिचर मेथड इज देयर डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड नो ट जी डी पी एस सो द करेक्ट आंसर मैथर टू कैलकुलेट जी डी पी सो दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन द नेट वैल्यू ऑफ जी डी पी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन फ्रॉम इट इज राइट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे कि अगर हम जी डी पी के अंदर से इफ वी डिडक्ट जीडीपी के अंदर से अगर हम डेप्रीसिएशन डिडक्ट कर दें, होता क्या है कि कुछ चीजें अपनी आता आता है है, के के अंदर, right? के अंदर तो भी होती चीजों के अंदर तो उस डेप्रीसिएशन को भी अगर हम नेगलेक्ट कर दें माइनस कर दें सबट्रैक्ट कर दें जीडीपी में से तो क्या निकल के आएगा प्रोडक्ट राइट right? और जी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट राइट यहां पर जी वर्ड है ग्रॉस 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 का क्या मीनिंग होता है टोटल टोटल या फिर एज पूरा लेना कंसिडर करना नेट मतलब जो डेप्रीशियन को माइनस करने के बाद डेप्रेशन हटाने के बाद जो फाइनल वैल्यू बचेगी जो नेट वैल्यू बचेगी रियल वैल्यू बचेगी एक तरीके से वो होती है एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो कभी भी ग्रॉस में से अगर आप डिप्रिसिएशन को माइनस करोगे तो वैल्यू नेट निकल के आएगी ये चीज़ ध्यान रखनी है सो विद दिस इसका क्या आंसर होगा फिर नेट वैल्यू का ए देखो ऑप्शन हैं आपके सामने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट डिस्पोजेबल इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑब्वियसली ए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको एन डी पी भी कह देते हैं विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन डी पी राइट सो रिमेंबर दिस दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इट इजी ऑल दो नॉट दैट टफ ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रोडक्ट द नेट वैल्यू इज अब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि जीएनपी में से अगर राइट right, अगर जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करें तो क्या निकल के आएगा अभी मैंने लास्ट में बताया आपको कि जब भी ग्रॉस अब यहां पर जीएनपी का मतलब क्या है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम देख चुके हैं जीएनपी भी क्या होता है तो अगर आप ग्रॉस में से डेप्रीशन माइनस करो तो क्या निकल के आएगा एन नेट ग्रॉस में से अगर डेपरिशन माइनस करो निकल के आएगा नेट और यहां पर क्या है नेशनल प्रोडक्ट तो नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि क्या वैल्यू निकल के आएगी विच इज एन एन पी राइट तो जी एन पी में से अगर डेप्रिशन माइनस कर दी जाए तो निकल के आता है एन एन पी तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना नेट प्रोडक्ट नो दिस इज नॉट द आंसर डिस्पोजेबल इनकम नो ग्रोशन नो दिल बी बी नेट नेशनल प्रोडक्ट एन एन पी और ये हमारी नेशनल इनकम भी इनफैक्ट नेट नेशनल इनकम भी होती है अकॉर्डिंग टू एनसीआर टी तो रिमेंबर दैट ऑल्सो ओके सो नेक्स्ट द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री इज नोन एज द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री इज नोन एज कंट्री की एवरेज इनकम को क्या कहा जाता है ऑप्शन है आपके ए रियल नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम सी डिस्पोजेबल इनकम या डी नन ऑफ द अब ए रियल ने पर कैपिटल इनकम सी डिस्पोजल इनकम या डी नॉज दीडियो लेटमी पॉज द वीडियो अटैप्ट क्वेश्चन राइट ओके सो एवरेज इनकम पूछिए एवरेज इनकम क्या निकलेगी हमारी टोटल इनकम टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन राइट टोटल पॉपुलेशन अगर आपको अपने घर की एवरेज इनकम भी निकालनी है तो कैसे निकालोगे आप टोटल इनकम कितने बंदे अर्निंग है आपके घर में लाइक लेट्स से कि आपके मदर फादर अर्निंग है तो उनकी जो इनकम होगी टोटल ऐड करी डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन घर में कितने लोग रहते हैं उन सबको डिवाइड करोगे तो एवरेज इनकम निकल के आ जाएगी सेम वे अगर आपको इंडिया की इनकम की जो अपनी इकोनॉमी है कंट्री है उसकी अगर एवरेज इनकम निकालनी होगी तो ऐसे ही करोगे टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन राइट सो दैट इज़ द रीजन और इसको क्या कहा जाता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम राइट सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑब्वियसली ऑप्शन बी पर कैपिटा इनकम एक बंदे के पास कितनी इनकम आ रही है और एक यहां पर इंफॉर्मेशन ये भी है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इसी पर कैपिटल इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को डिसाइड क्लासीफाई भी किया जाता है इकोनमी को ऑन द बेसिस लाइक डेवलप्ड या डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड या लीस डेवलप्ड इस वे में और इंडिया कम्स अंडर द डेवलपिंग कैटेगरी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कहाँ जा कैसे आएगी वो बिकॉज जो पर कैपिटल इनकम इंडिया की वो उसी कैटेगरी में फॉल कर रही है अगर ज़्यादा होगी पर कैपिटल इनकम इंक्रीज करती जाएगी तो डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ मूव करेगा और अगर किसी की कम हो जाती है किसी कंट्री की तो वो नीचे आ जाती है नीचे वाली कैटेगरी में आ जाएगा अंडर डेवलप्ड या फिर वर्स्ट से वर्ष सिनारियों में लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी दे कैन काउंट ऑल्सो सो विद दिस दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पर कैपिटा इनकम आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको अगर आपको कोई भी डाउट है कोई भी इशू है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं दिर इज़ नॉट एन इशू आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए इट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिजॉल्व इट अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा अब वो भी लिख सकते हैं राइट right? कुछ भी आपको पूछना है यू कैन आस्क अस रिलेटेड टू द एग्जाम ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम नेशनल इनकम मेजर करने का कौन सा मेथड है इसमें से राइट right? अब ये बेसिकली आपसे क्या पूछ रहे हैं ये आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं फिर से वही कि जीडीपी मेजर करने के कौन कौन से मेथड है इसमें से क्योंकि नेशनल इनकम क्या आपने जी डी पी से आप क्या मेजर करना चाह रहे हो आप नेशनल इनकम ही तो निकालोगे जी डी पी को आगे जी डी पी से फिर आप एन एन पी पे एनडीपी पे आते हो एन डी पी से एन एन पी पे आते हो और वही आपकी नेशनल इनकम है तो जी डी पी अब कैलकुलेटिंग क्यों कर रहे हो फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम राइट सो नाउ ये क्वेश्चन भी आपसे बेसिकली यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड है जी डी पी कैलकुलेट करने का या फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का तो अगर आपसे ऐसे पूछे तो यू शुड बी एबल टू रिड्यूस दैट ऑल्सो कि वो क्या पूछा जा रहा है दैट इज हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन ऑप्शन आर एक्सपेंडिचर मैथड बी इनकम मैथड सी प्रोडक्ट मैथड या फिर डी ऑल ऑफ द अबव राइट फर्स्ट क्वेश्चन को दोबारा से देखिए यू विल गेट टू नो कि यस एक्सपेंडिचर मेथड यस इट इज देयर इनकम मेथड यस इट इज देयर प्रोडक्ट मैथड यस जिसको जी वी ए भी कहा जा रहा था राइट right? इसको जी वी ए कह रहे थे हम और एक्सपेंडिचर मैथड और कंजम्पशन मेथड भी कह रहे थे हम ये भी इसी को बोला जाता है तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव ऑल ऑफ द अबव आर द मैथड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम राइट नेक्स्ट क्वेश्चन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस इज कॉल्ड एज एनएनपी एट मार्केट प्राइस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट ऑप्शंस हैं आपके ए नॉन मॉनेटरी इनकम बी मनी इनकम सी रियल इनकम या डी नन ऑफ द अबव राइट डी नन ऑफ द अबव क्या आंसर होगा इसका आपके हिसाब से मॉनेटरी इनकम मनी इनकम रियल इनकम या फिर क्वेश्चन okay, पूछ रहा है आपसे पूछ है कि एन एन पी एट मार्केट प्राइस इसको और क्या बोल सकते हो आप सो अगर हम इसको आपको नहीं भी आंसर पता अगर लॉजिकल इसको एलिमिनेट करके ट्राई करते हैं सो नॉन मॉनिट्री इनकम नो दिस इज नॉट एन करेक्ट आंसर नॉन बिल्कुल मॉनिटरी मॉनिटर टर्म्स में ही हो रहा है तो ये तो नहीं होगा देन मनी इनकम देन रियल इनकम एंड देन ऑफ मनी इनकम और रियल इनकम मनी इनकम जैसा कोई वर्ड इसके अपोजिट है बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी रियल इनकम राइट बिकॉज नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या निकल रहा है आपके रियल इनकम निकल के आ रही है ना डेफ्रीशियन माइनस करके आता था एनएनपी तो वही आपके रियल इनकम है बताया था मैंने आपको सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी दैट इज रियल इनकम ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ओके ट्रांसफर पेमेंट्स ट्रांसफर पेमेंट्स रेटफर्ड टू द पेमेंट दैट आर मेड ये पूछ रहा है आपसे ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में ट्रांसफर पेमेंट क्या होती हैं इफ़ यू आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट वेल अवेयर ऑफ द कि भाई ट्रांसफर पेमेंट होती क्या चीज़ें तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को आराम से कर जाओगे ट्रांसफर पेमेंट बेसिकली क्या है वन वे पेमेंट है वहाँ पर एक ही साइड पैसा जाता है दूसरी एक्सचेंज में कुछ नहीं आ रहा होता फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जो सब्सिडीज में स्कीम्स से जो पैसा दे रही है लाइक से किसान स्कीम के अंदर वो डायरेक्टली पैसा दे रही है बट इन एक्सचेंज में कुछ मांग तो नहीं रही आपसे छः हज़ार सीधा किसान फार्मर्स को दिए जा रहे हैं बट एक्सचेंज में कुछ नहीं लिया जा रहा तो इट इज़ अ वन वे ट्रांसफर पेमेंट दैट इज दैज़ आर कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट इन विच देर इज नथिंग इन एक्सचेंज ओके गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज नहीं हो जाते बेसिकली सो विद दिस ऑप्शन पे जाते हैं एक बार ऑप्शन है एज कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज ओके विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओके टू वर्कर्स ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनादर या फिर डी नो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी जिसके विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज में कोई गुड्स और सर्विस एक्सचेंज नहीं किए जा रहे होते दीज आर कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट्स राइट ओके सो आर ट्रांसफर पेमेंट्स काउंटेड इन जी डी पी सो आंसर विल बी नो दीज आर नॉट काउंटेड इन जीडीपी जीडीपी के अंदर ट्रांसफर पेमेंट्स को काउंट नहीं किया जा रहा होता बिकॉज जीडीपी के अंदर कौन सी चीजें काउंट होंगी जहां पर गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा होगा सिर्फ वहीं वाले ट्रांजेक्शन काउंट होंगे एक तरीके से दैट ये आई बात समझ में तो इसके अंदर ऑब्वियसली ट्रांसफर पेमेंट काउंट नहीं होगी सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम इसमें से कौन सा नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है ऑप्शन है आपके ए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ओके बी द पेमेंट्स मेड बाय द हाउस होल्ड ऑफ द फर्म फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओके इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओके एंड देन इंटरेस्ट ऑन अनप्रोडक्टिव नेशनल डेट ओके सो ये क्वेश्चन आई नो थोड़ा सा टिपिकल है बिकॉज स्टेटमेंट्स थोड़ी सी अलग घुमा के दे रखी हैं आपको तो इस क्वेश्चन को अगर आप नेगे उससे निगेट करते हुए चलो एलिमिनेट करते हुए चलो ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा तो नहीं होगा एटलीस्ट कौन सा होगा आई I मीन mean, इसमें से कौन सा इन नेशनल इनकम का पार्ट होगा उसको पहले एलिमिनेट करते हैं एक बार सो so अगर हम यहाँ पर आए सबसे पहले ऑप्शन आते हैं ऑप्शन बी पे द पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड टू द फॉर्म्स फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज डेफिनेटली ये तो काउंट होगा ही होगा एक्सपेंडिचर मेथड में क्या काउंट होता है एक्सपेंडिचर तो काउंट हो रहे हैं आपके जो भी आप खर्चे कर रहे हो कंजम्पन पर लगा रहे हो आप राइट right? तो जो भी आप गुड्स एंड सर्विस परचेस कर रहे हो वो तो एक्सपेंडिचर मेथड में काउंट हो गई होगा तो ये तो डेफिनेट है देन इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो ये भी डेफिनेटली होगा तो एक्सपेंडिचर ये इनकम मेथड के अंदर काउंट होता है जब इनकम करते हैं हम गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है वो अल्टीमेटली आगे जाके लोगों के हाथ में जाते हैं पैसे और वहीं फिर आपके नेशनल इनकम के अंदर काउंट होते हैं सो so ये भी डेफिनेटली काउंट होगा या फिर इसको आप सिंपली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर भी काउंट कर सकते हो एक्सपेंडिचर मेथड में देन कम्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट येस दिस विल ऑल्सो भी काउंटेड इन नेशनल इनकम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डेफिनेटली ये भी काउंट होता है ये भी इनकम ही है बेसिकली अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है लोगों की जो इनकम हो रही है राइट right? वही जो इनकम मेथड के अंदर आ जाता है फिर प्रॉफिट ओके देन कम इंटरेस्ट ऑन अनप्रोडक्टिव मेथड नो अनप्रोडक्टिव नेशनल डेट नो दिस इज नॉट काउंटेड दिस इज नॉट काउंटेड अंडर नेशनल डेट बिकॉज ये एक तरीके से कहीं कही ना कहीं ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है बट नेशनल इनकम के अंदर पार्ट नहीं है ये सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम सो विद दिस वी एव रिच द एंड ऑफ आर वीडियो बट आई है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इफ यू वॉन्ट कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए आपको अभी भी कि आपको एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन चाहिए प्रिलिम्स की जहां पर आपके पास सब कुछ हो टेस्ट से लेके गाइडेंस से लेके ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर एवरी सब कुछ अंडर वन प्रूफ आपके लिए अवेलेबल हो सो वी हैव ए वंडरफुल ऑप्शन फॉर यू सो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन अभी लेके आया ले है जहां पर हमने एक्सक्लूसिवली अच्छे प्रलियम्स के लिए एक पूरा फास्ट्रैक बैच लॉन्च कर रखा है सेवेंटी फाइव डेज का कोर्स है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है बैच ये राइट इसकी फीस थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज है बट येस यू कैन ऑल डेफिनेटली स्टिल ज्वाइन दिस बैच यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा यू विल बी गेटिंग लाइव भी है चाहिए एकदम ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाइव लेक्चर्स स्टडी मटेरियल्स की पीडीएफ वेब नोट्स डेली टेस्ट वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट राइट प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको सब कुछ है कुल मिला के आपकी प्रिलिम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है लाइव मेंटरशिप मिलेगी आपको कोई भी इशू है यू कैन फ्रीली आस्कस एट एनी टाइम इसके कोर्स को ज्वाइन करने के रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है सपोर्ट नंबर ही प्रोवाइडेड है अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो ज्वाइन दिस बैच एज सुन एज पॉसिबल इफ यू रियली वॉन्ट टू क्लियर एक्सेस प्रिलिम्स दिस ईयर राइट सो विद दिस आई विश यू ऑल गुड लक एंड टिल आवर नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय थैंक यू